गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, सुबह के बज चुके हैं 9। बहुत ही खूबसूरत टाइम है, बहुत ही बढ़िया एकदम। मैं पार्क में आया हूँ, थोड़ा काम से आया था मैं। चलो आज इंट्रोडक्शन बना ले यहाँ पे बैठ के। तो दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज है फ्राइडे। फ्राइडे बहुत ही अच्छा दिन होता है। आज माँ लक्ष्मी जी का दिन है, माँ अन्नपूर्णा, माँ संतोषी माँ का दिन है। तो दोस्तों, जैसे कि आज फ्राइडे को मैं ब्लू डालता हूँ, तो मैं नहा धो के रेडी हो गया हूँ, पार्क में आके वीडियो बनाने लग गया। तो दोस्तों, और सुनाइए, आई होप आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, अच्छी लग रही होगी। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो दोस्तों, अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए, मेरे को पॉजिटिविटी मिलेगी यार। आप लोगों के सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज मैं आपको लेके जाऊंगा राधे कृष्ण का टेम्पल, जो कि सेक्टर 18 में है चंडीगढ़ में। तो आफ्टरनून में चलेंगे 4-5 बजे, अगर खुला होगा तो दर्शन आपको करा देंगे, नहीं तो इवनिंग में आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो इवनिंग का व्यू बहुत अच्छा है दोस्तों, बहुत ही अच्छी मूर्ति है वहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है। तो दोस्तों, अगर आप चंडीगढ़ में रहते हैं तो सेक्टर 18 के टेंपल में ज़रूर जाएं दोस्तों। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं अपना व्लॉग। तो दोस्तों, आपको मेरा व्यू अच्छा लग रहा है, मैं सोचा कुछ चेंज करा जाए, नहीं तो घर पे इंट्रोडक्शन बनती है। आज मैं पार्क में आराम से बैठा हूँ बेंच पे, बहुत ही खूबसूरत बेंच है। ये चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने बेंचेस लगाए हैं, हर पार्क में इतने खूबसूरत बेंच लगे हुए हैं। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। वाओ, ये देखिए मेरे पीछे कितनी सीट्स हैं, कितने अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, मैं गाड़ी में आके बैठ गया हूँ, बहुत ही मज़ा आने वाला। आज राधे कृष्ण टेंपल जा रहे हैं, सेक्टर 18 चंडीगढ़। बहुत ही मज़ेदार जगह, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब जगह। तो दोस्तों, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है। चलिए शुरू करते हैं अपना व्लॉग, और बने रहिए मेरे व्लॉग में। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। दोस्तों, मैं मंदिर तो पहुंच गया हूं, बट अभी दोपहर का टाइम है, 4:30 बजे, तो अभी बंद है मंदिर, तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। तो शाम का व्यू सारा बहुत ही खूबसूरत यहां का व्यू है। ये देखिए अभी मंदिर बंद, अभी इस टाइम डोर क्लोज्ड हैं सारे। तो आपको शाम का व्यू देखते हैं, बहुत ही खूबसूरत होने वाला दोस्तों, वीडियो में बने रहिएगा। तो बहुत ही शानदार मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है दोस्तों। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस सेक्टर 18 चंडीगढ़ में ज़रूर आइए। तो शाम के बज चुके हैं 7:30, मंदिर खुल चुका है। तो दोस्तों, आपको दर्शन कराते हैं, आप चलते हैं आगे। दोस्तों, जैसा कि एंट्री करते ही यहाँ पे फूल वाले भैया बैठे हैं, यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं आप, धूप बत्ती, और आपको दिखाती बढ़िया। ये देखिए गुलाब के फूल भैया रेडी कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया। तो भैया, किस लिए रेडी कर रहे हैं आप गुलाब के फूल? अच्छा, चलो। तो दोस्तों, आप जैसे देख सकते हैं, ये भैया की दुकान है, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छी माला मिलती है यहाँ पे। आप धूप बत्ती, तेल, श्रृंगार, ये माता के लिए, भगवान के लिए नारियल ले सकते हैं, हनुमान जी के लिए सिंदूर ले सकते हैं, चुन्नी ले सकते हैं, सब कुछ है। तो भैया जी, आपका शुभ नाम? अमरजीत जी हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे प्रसाद ले सकते हैं, ये अमरजीत भैया हैं यहाँ पे सेक्टर 18 चंडीगढ़ में, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इनके पास सब कुछ है, तो आप आइए यहाँ पे, आप फूल माला, प्रसाद, नारियल, सिंदूर, तो सब कुछ ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। जैसे कि ये एंट्रेंस है मंदिर की, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये एंट्रेंस है मंदिर की, ये सामने हनुमान जी की मूर्ति है, तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। ये एंट्री करते ही बहुत अच्छा फाउंटेन लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो यहाँ पे जूता घर है, हम जूता उतारेंगे पहले यहाँ पे और हाथ धोएंगे, फिर उसके बाद पहले जूते उतार लें यहाँ पे। तो दोस्तों, यहाँ पे जूते उतार रहे हैं पहले। चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक है, अगर किसी को दांत का काम करवाना तो वो करवा सकता है, जो बताया हुआ है वे टू क्लिनिक, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत भोलेनाथ की मूर्ति है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, हम देख सकते हैं यहाँ से, तो बहुत ही बढ़िया। जय भोलेनाथ की जय हो, बहुत ही खूबसूरत, आप देख सकते हैं एकदम इनका रूप, एकदम बिल्कुल असली असली लग रहा है, जैसे साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हों। तो नंदी जी हैं ये इनके, बहुत ही बढ़िया, आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पीछे से, मैं आपको दिखाता हूँ, तो बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो यहाँ पे पीपल का पेड़ है। तो दोस्तों, हम पीपल के इधर वृक्ष के नीचे दिया वगैरह चलाते हैं, तो इधर कर सकते हैं। तो शनि महाराज जी का मंदिर भी आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों, जय शनि महाराज जी की। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं शनि महाराज जी का मंदिर है इधर। आगे चलते हैं, तो दोस्तों इधर देख सकते हैं आप हनुमान जी का विराट रूप, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन, एकदम साक्षात रूप है हनुमान जी का, आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत हनुमान जी। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, आप देख सकते हैं दोस्तों, जय बजरंगबली, क्या विराट रूप है दोस्तों। पीछे से मैं थोड़ा दिखाता हूँ,
बहुत ही बढ़िया, बहुत ही साक्षात मूर्ति एकदम, विराट रूप इनका। तो दोस्तों बहुत ही खूबसूरत। तो कुछ आगे चलते हैं, यहाँ पे केले का पेड़ देखने को मिलेगा यहाँ पे, या केले की पेड़ की पूजा करते हैं लोग, तो यहाँ पे केले का पेड़ देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं शाम का टाइम है, बहुत ही बढ़िया। तो मैं एंट्री कर रहा हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बहुत ही बढ़िया, एकदम पॉजिटिव प्लेस है। अब एंट्री करने लगे, आपको दिखाते हैं यहाँ पे मंदिर में एंट्री करते हैं। जैसे कि मैं एंट्री कर रहा हूँ दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दोस्तों मैं यहाँ ज़्यादा ऊंची नहीं बोलूँगा, यहाँ पे आरती चल रही है, तो आप प्लीज़ मेरे साथ कॉपरेट करिए, यहाँ पे ज़्यादा मैं ऊंची नहीं बोल पाऊँगा, आप दर्शन करिएगा। बहुत ही खूबसूरत आप देख सकते हैं, जय गणपति बाबा, जय गणपति बाबा की, महाराज की जय, जय गणपति। तो दोस्तों जैसा कि ये राधे कृष्ण की मूर्ति है, बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर कितनी खूबसूरत कलाकारी करी हुई है, बहुत ही बढ़िया। आपको दोबारा दिखाते हैं साक्षात मूर्ति एकदम राधे कृष्ण जी की, बहुत ही बढ़िया। वाह, थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे ये माता रानी की मूर्ति है, इधर जय माता दी। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नीट एंड क्लीन एकदम साफ़ सुथरा, कितने अच्छे झूमर लगे हुए हैं इधर, और ये क्या कलाकारी करी हुई है ऊपर, बहुत ही बढ़िया। ये विष्णु नारायण, लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान, तो आप देख सकते हैं दोस्तों साक्षात दर्शन कर सकते हैं बिल्कुल। जय विष्णु नारायण, विष्णु विष्णु, हरि विष्णु, हरि विष्णु, हरि विष्णु, हरि विष्णु। बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है, बहुत ही साक्षात एकदम, जय बजरंग बली। मेरी यूट्यूब इनके दुख दर्द दूर करना, खूब तरक्की देना। तो दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि ये बनाए हुए हैं बहुत ही बढ़िया, ये माता रानी, हे माता रानी हम सबका ध्यान रखना, सुख शांति लेके आना हमारी लाइफ में। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना खूबसूरत बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया। ये सारा कांच का इसका वर्क करा हुआ है, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया। भोलेनाथ, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। जय जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया मूर्ति है, नंदी महाराज जी के दर्शन कर लीजिए। जैसा कि आपने देखा इधर बहुत ही अच्छा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है। ये प्रे कर रहे थे, आरती हो रही थी, तो मैं ज़्यादा ऊंची नहीं बोल पाऊंगा जैसा कि मैंने आपको बताया, तो आप दर्शन करिए यहाँ पे। ये दोस्तों ये रामचंद्र महाराज जी का, राम लक्ष्मण सीता मैया, आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है दोस्तों, आप दर्शन कर सकते हैं इनके चरण। जय राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो आप इस मंदिर की खूबसूरती देख सकते हैं, कितना बढ़िया, कितना शानदार मंदिर है, इतनी पॉजिटिव प्लेस है दोस्तों, आप देख सकते हैं ऊपर, बहुत ही बढ़िया। सरस्वती माता बैठे हैं यहाँ पे, आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों।
यहाँ पे कलाकारी बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन करी हुई है। आप देख सकते हैं हर कोने में दीवार के साथ भगवान का एक विराट रूप बनाया हुआ है। ये रात के 8 बजने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया। अंदर पाठ चल रहा है, आरती चल रही है, तो मैं बाहर आया हूँ, आपको बाहर का व्यू दिखाता हूँ। बाहर कैसा है, खूबसूरत एक बागीचा बनाया हुआ है, गार्डन सा बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार एकदम। यहाँ पे बैठ के मेडिटेट कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं, जब कोई फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पे यूज़ किया जाता है। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही बढ़िया बागीचा बनाया हुआ है एक टाइप से, बैठने की जगह। आप यहाँ पे भगवान का नाम भी ले सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। ये बजरंग बली हमारे सामने है साक्षात एकदम, बहुत ही बढ़िया, आप देख सकते हैं मंदिर हमारा, सेक्टर 18 चंडीगढ़। चलो दोस्तों आगे चलते हैं, साइड से ऐसा व्यू दिखाई देता है बजरंग बली का, बहुत ही विराट रूप है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। आपको दर्शन कराते हैं इनके, आप दर्शन कर सकते हैं दोस्तों। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। दोस्तों ये विराट रूप हनुमान जी का, आप दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि हॉल बनाया हुआ है यहाँ पे, जैसे कोई फंक्शन वगैरह होता है तो यहाँ पे भी इसको यूज़ किया जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक है, आप अगर कुछ दांत का काम करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे करवा सकते हैं दोस्तों। एक खूबसूरत जगह, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही पॉजिटिव प्लेस है दोस्तों, यहाँ के मज़ा आ गया एकदम। साक्षात इतनी मूर्ति इतनी अच्छी है कि साक्षात भगवान हमारे सामने आ गए हों। तो दोस्तों जैसा कि हॉल है, अगर आपको कोई ट्रीटमेंट लेना है, श्री राधा कृष्ण टेम्पल चैरिटेबल डेंटल क्लिनिक, तो यहाँ पे आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ये रूम्स बने हुए हैं, शायद इधर ही होगा। ये शेड बनाई हुई है और फैंस भी लगाए हैं, लाइट्स भी हैं, बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत एकदम। तो ये गद्दे वगैरह भी रखे हुए हैं यहाँ पे, जब यहाँ पे कोई प्रोग्राम होता तो पूरा सजाया जाता है यहाँ पे मंदिर को। तो दोस्तों अगर आप पुराने क्लोथ डोनेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ पुराने कपड़े अगर डोनेट करना चाहते हो तो डेफिनेटली दोस्तों इस मंदिर में आके आप डोनेट कर सकते हैं। कुछ भी आप डोनेशन करना चाहते हो तो डेफिनेटली इस मंदिर में आइए और डोनेट करिए, डायरेक्ट पंडित जी से बात करके आप डोनेट कर सकते हैं दोस्तों। बहुत अच्छे लैंप्स लगाए हैं, बहुत ही शानदार मंदिर है दोस्तों। देखो बेंच भी रखा हुआ है, बैठ के आप चैंटिंग कर सकते हैं, भगवान का नाम ले सकते हैं। तो एक केले का पेड़ दिया हुआ है यहाँ पे, जैसा कि आप देख पाते हैं। एंट्रेंस में एक फाउंटेन दिया हुआ है जो कि अभी चल नहीं रहा। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एक बारी ओवरव्यू, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। तो दोस्तों जैसे कि ये शूज़ रैक बनाया हुआ है यहाँ पे, अगर आप आते हैं तो शूज़ यहीं पे उतारिए, प्रॉपर डिसिप्लिन से एकदम सारी चीज़ बनाइए, बहुत ही खूबसूरत। आप यहाँ पे शूज़ उतार सकते हैं अपना, और पीने के लिए ठंडा पानी है दोस्तों, फ़िल्टर लगा हुआ है, प्रॉपर फ़िल्टर काम करता है, प्रॉपर ठंडा पानी हमें मिलेगा, आप यहाँ पे हाथ धो सकते हैं। तो मैंने आपको आज दर्शन कराए, बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं घर, थोड़ा रेस्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं एक बारी लास्ट ओवर व्यू। तो ये देख सकते हैं आप एक बारी दोबारा मंदिर देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत। दोस्तों चलते हैं, जय श्री कृष्णा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, मैं घर पहुंच गया हूं। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा लगा, आप सबको दर्शन कराए, मैंने आप सबके लिए प्रे करी कि मेरी यूट्यूब फैमिली को खुशियां दो, खूब तरक्की दो, हे भगवान, हे राधे कृष्ण से मैंने खूब प्रे करी आप लोगों के लिए। तो दोस्तों आपके सपोर्ट मेरे लिए बहुत वैल्यूबल है। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। सी यू टुमारो, गुड नाइट, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय, टेक केयर।